हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर व्यापारी वर्ग के हजारों करोड़ के लोन कर्जे माफ कर देती है, बैंक उन्हें कुछ नहीं कहते, और वहीं दूसरी तरफ एक किसान जो पूरे साल 365 दिन धूप में, छांव में, बरसात में आपके लिए अन्न उगाता है, वो अगर 50,000 का लोन ले ले तो अगर किसी कारणवश वो लोन नहीं भर पाया तो उसे आत्महत्या ही करनी पड़ती है। ये वो कड़वा सच है जिसे आप और मैं झुठला नहीं सकते, और ये हमारे देश का ही सच है। सरकार आपको कई बार कुछ बातें बता भी देती है और आपकी समझ में भी नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। सरकार साफ साफ बता देती है कि आपको लूटा जा रहा है, आपके ऊपर ये टैक्स बढ़ाया जा रहा है, ये काम हो रहा है, लेकिन हमारे देश के कानून इतने पेचीदा हैं, उनमें इतनी टर्म्स एंड कंडीशन है, इतने डिस्क्लेमर है, इतने डिस्क्लोजर हैं कि हमारी समझ में नहीं आ पाता कि सरकार कहना क्या चाह रही है। सरकार हमें लूट रही है या सरकार हमें कुछ दे रही है। आज दो तीन बातें हैं जो इसी तरीके से निकल कर आई हैं और जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचना जरूरी है, तो एक बार बात कर लेते हैं। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये एक टर्म है जिसे बैंक इस्तेमाल करता है। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है और आप बैंक को वो लोन नहीं दे पा रहे, या फिर बैंक को लगता है कि आप वो लोन नहीं चुका पाएंगे, तो बैंक जो है आपके लोन को, मान लीजिए वो 10,000 रुपए हैं, तो उन 10,000 को एनपीए में डाल देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देता है। अब इससे होता क्या है? इससे ज्यादा फायदा नुकसान तो नहीं होता, इतना जरूर होता है कि सरकार को एक आइडिया हो जाता है कि अब ये जो पैसा है ये आने के चांसेस बहुत कम है, और ये जो पैसा है एक तरह से डूब गया है। मान लीजिए आप किसी को उधार दे दें और वो आपको वो उधार देने में आनाकानी कर रहा हो, तो आप एक कई बार एक तरीके से मान लेते हैं कि अब ये पैसा आना मुश्किल है, तो उसे आप अपना एनपीए कह सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह सकते हैं, कि वहां से आपको थोड़ा बहुत ब्याज मिलना था, वो पैसा वापस आना था, लेकिन अब उसके चांसेस कम है, तो उसे एनपीए कहा जाता है। यही बैंकों के साथ होता है। अगर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, डबल डिजिट में होता है, मतलब 10 या 10% से ज्यादा होता है, मान लीजिए किसी बैंक ने 1,00,000 रुपए लोगों को लोन दिया है और 10,000 या 10,000 से ज्यादा उनका नॉन एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी बैंक की हालत ठीक नहीं है, वो गंभीर है, क्योंकि वो पैसा आना जरूरी है वापस। अगर वो पैसा डूब गया तो देश की इकोनॉमिक्स खतरे में पड़ जाएगी, वो डगमगा जाएगी। अगर वो 10 से कम है तो फिर भी काम चल जाता है। अब हुआ क्या कि हमारे देश में इंडियन एक्सप्रेस ने एक आरटीआई के जरिए आरबीआई से जानकारी मांगी कि पिछले 5 साल में आपने कितने रुपए एनपीए से राइट ऑफ किए। मतलब ये कि एनपीए से बैंकों ने पिछले 5 साल में कितना पैसा बाहर निकाला है एन नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में। तो वो आंकड़ा जो निकल कर आया, वो आंकड़ा बहुत गंभीर था। वो था 10,00,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं सीधे सीधे तौर पर बैंकों ने, 10,00,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में। हमारे देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है 10,00,000 करोड़ रुपए। अब इससे होगा क्या? जैसा मैंने पहले बताया, फायदा वायदा तो कुछ पता नहीं, लेकिन इस पैसे का क्या करना है? इससे जो एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, वो तो डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गया। बैंकों को ये फायदा, बैंकों ने ये फायदा आपको दिखा दिया, सरकार ने ये फायदा आपको दिखा दिया, लेकिन इससे ये 5% तक आ गया। लेकिन इससे पहले ये 11% से ज्यादा था नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक्स के, और ये वेव ऑफ करने से पहले लगभग 13% के आसपास ये पहुंच चुका था। मतलब जो लोन बैंकों ने दिया है, किसे दिया है? अब मुझे, आपको या किसी किसान को तो
लोन कैसे ही मिलता है हम सभी को पता है, और हमें ये भी पता है कि ये जो 10 लाख करोड़ है इसमें से ज्यादा लोन किसे मिला होगा। दोस्ती यारी हमारे बीच जैसी चलती है उससे ज्यादा बड़ी दोस्ती यारियां नेताओं के बीच चलती है, और नेताओं के जो दोस्त होते हैं वो बड़े अमीर भी होते हैं, तो उन्हें लोन की ज्यादा जरूरत होती है। अब 10 लाख करोड़ में से भी मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो ये कि इतना बड़ा अमाउंट जब वेव ऑफ किया, राइट ऑफ किया गया है बैंकों के द्वारा, तो वो खुद में एक हैरान करने बात है कि ये पैसा आने का कोई चांस तो है नहीं कि वो वापस आएगा। हालांकि रिकवरी के तौर पर अभी तक लगभग 13% पिछले 5 सालों में इसका 13% पैसा ही रिकवर किया गया है। 10 लाख करोड़ में से 1,30,000 करोड़ रुपए रिकवर किए गए हैं, बाकी का कुछ अंदाजा नहीं है, कहां है कहां नहीं है, अब आएगा कब आएगा तब आएगा, कोई आइडिया नहीं है। दूसरी चीज, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनका निजीकरण होगा, वो प्राइवेट में बदली जाएंगी। उन्हें जो पहले पैसे दिए जाते थे वो उनकी ग्रांट होती थी, उनका हक होता था, और अब उन्हें लोन में तब्दील कर दिया है। और ये पहला कदम होता है किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी का निजीकरण करने के लिए, उसका प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, क्योंकि कुछ समय के बाद सरकार ये कहेगी कि हम आपको लोन दे रहे हैं, आप हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है और अब हम लोन और नहीं दे सकते, फंड्स की कमी है, अब हम यूनिवर्सिटी को बेच रहे हैं, इसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से इस 10 लाख करोड़ में से जो राइट ऑफ किया है बैंकों ने पिछले 5 साल में, उसमें से 73% मतलब 7 लाख करोड़ रुपया सरकारी बैंकों से राइट ऑफ किया गया है एनपीए की। अब आप सोचिए कि चीजें कहां हो रही हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि सरकार आपको बता भी देगी कि वो कर क्या रही है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा था और सही मायने में सरकार ने किया क्या है, लूटा है या हमें कुछ दे रही है। एक तरफ तो राइट ऑफ हो गया, लेकिन हुआ क्या, सरकारी बैंकों से ज्यादा राइट ऑफ हुआ है, लगभग 73%, लगभग 7 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट। और इसके कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल बाद क्या होगा कि सरकारी बैंकों का जो मामला है, जो हालात हैं, वो बड़े खराब हैं, और इनमें जो पैसा इनको दिया गया है वो वापस नहीं आ रहा है, जो बैंकों ने लोन दिया है वो वापस नहीं आ रहा है, हम बैंक ज्यादा दिनों तक नहीं चला सकते, पहले ही सरकार बैंक मर्ज करने में तुली हुई है, और अब आगे क्या होगा, फिर इनका भी निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा। वैसे हालांकि बैंक तो पहले से ही लाइन में है निजीकरण के, लेकिन अब ये स्थितियां हैं ये जो आ रही हैं, इनके बाद डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे तौर पर आप इसको देखेंगे। तो जो फिस्कल डेफिशिट है वो लगातार बढ़ेगा। अब जब लोन आपने लिया है और आप बैंक को नहीं दे, तो क्या होगा, तो फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ेगा, और फिस्कल डेफिसिट और ये चीजें बढ़ेंगी तो उसकी मार कहां पर आएगी। अब जैसा मैंने पहले बताया, किसान मुझे आपको कितना ही लोन मिलेगा, लोन मिला है बड़े बड़े लोगों को, अंबानी को कितना मिला है, अडानी को कितना मिला है, इसको कितना, उसको कितना मिला है। हालांकि आरबीआई ने आरटीआई में बताया नहीं है कि किसे कितना लोन दिया गया है, और ना ही वो कभी बताएगी, आरटीआई में जवाब नहीं दिया जाएगा कि किसे कितना लोन दिया गया है जो राइट ऑफ किया गया है बैंकों के द्वारा। लेकिन इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये जितना भी पैसा है, आप ये मान के चलिए कि इस 10 लाख करोड़ में से 1,30,000 करोड़ जो रिकवर हुए हैं या जो आगे भी रिकवर होगा, मान लीजिए इसमें से 20% 30% भी रिकवर हो गया, तो जो बाकी का 6-7 लाख करोड़ रुपया है जो आपके पास, सरकार के पास कभी आया ही नहीं आपका पैसा, वो कहीं ना कहीं आपका ही हार्ड अर्न मनी था, आपने कभी नमक दाल चावल चीनी अपनी सैलरी पर टैक्स कटाकर उसे सरकार को दिया था और वो सरकार ने दोस्तों में बांट दिया है, और अब वो बटा हुआ है तो सरकार को तो चाहिए पैसा, अब उनसे वो ले नहीं सकती तो जेब दोबारा से किसकी फटेगी, बेचारा आम आदमी ही सरकार के
शिकंजे में आता है तो आपके ऊपर हो सकता है कोई ना कोई टैक्स लाद दिया जाए, थोप दिया जाए। अब आप ये कहेंगे हम तो टैक्स देते ही नहीं, तो इस भ्रम से निकल जाइए जो ये सरकार कहती है कि सिर्फ 2% 3% लोग भारत देश में टैक्स देते हैं, बाकी तो एक कंज्यूमर है सिर्फ बैठकर खाते हैं। अगर आप 1 किलो नमक भी खरीदते हैं, 1 किलो दाल चावल चीनी भी खरीदते हैं तो आप उस पर भी टैक्स देते हैं, इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, आप सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले आदमी हैं इस धरती पर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप टैक्स नहीं देते? आपको दिखता नहीं है कि आपकी सैलरी नहीं है, आप पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स 130 करोड़ लोग इस देश में दे रहे हैं और वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अब एक और टैक्स बढ़ने वाला है, कोई ना कोई टैक्स और आने वाला है, क्योंकि 6-7 लाख करोड़ रुपया जो सरकार ने जो अभी राइट ऑफ किया है, जो बैंकों ने राइट ऑफ किया है, अगर वो नहीं आया तो कहीं ना कहीं से तो आपको देना ही पड़ेगा और ये लगातार चलता रहेगा। जैसा मैंने पहले बताया कि आरबीआई ने नहीं बताया कि उसने किसका राइट ऑफ किया है, किसका नहीं किया, और जेब आखिर में आपकी ही फटनी है। इन चीजों से किस तरीके से निकलना है? अब जैसे आरटीआई से जवाब मांगा गया, आप भी आरटीआई से कुछ ना कुछ जवाब मांग सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो भी चीजें चल रही हैं ये ठीक नहीं है। और सरकार को, या मैं कहूं लोगों को, जब बदलाव नीचे से आता है और लोगों की तरफ से बदलाव आता है, वो हमेशा एक स्थिर बदलाव होता है और काफी लंबे समय तक रहता है। और इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि हम जागरूक हों ताकि सरकार हमें बेवकूफ न बनाए और अपने जो 2-4-10 लोग हैं उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए 130 करोड़ लोगों का खून न पिए, खून न चूसे। ये तभी हो सकता है जब आप जागरूक होंगे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।